नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार और मैं आपके साथ मानसी अरोड़ा। खबर दुरोंदा थाना परिसर की है, जहां सिवान पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार दोपहर दुरोंदा थाना पहुंचकर निरीक्षण के कार्यों में जुट गए। अचानक SP की गाड़ी थाना में प्रवेश करते देख पुलिस कर्मी चौंक गए। निरीक्षण के क्रम में SP ने संबंधित विभिन्न फाइलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारी अजीत कुमार सिंह से कहा कि डायरी किसी स्थिति में पेंडिंग नहीं रहे, फरार वारंटी को धरपकड़ में तेजी लाएं। उन्होंने कहा सरकार की शराबबंदी कानून को सख्ती से एवं ईमानदारी पूर्वक पालन करें, शराब कारोबारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ त्वरित कार्यवाही करें, किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं कार्यों के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न कांडों का समीक्षण कर जल्द निष्पादन करने, क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, वाहन चेकिंग लगातार करने, फरार वारंटियों को गिरफ्तार करने, शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसने, असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने समेत अन्य आवश्यक निर्देश दिए हैं। रात्रि गश्ती पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि रात्रि गश्ती में किसी भी प्रकार की उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने कार्य में पूरी तरह से पारदर्शिता बरतने की बात कही है। इसी मौके पर SI अमित कुमार सिंह, SI राकेश सिंह भी मौजूद थे।